महंगाई का तूफान लेने लगा इम्तिहान। माह सयाम के बाद गरीब महंगाई की चक्की में फिस गया। हुकूमती सब्सिडी वापस, आटा 10.5 रुपए किलो महंगा। 20 किलो आटे का थैला 1100 से बढ़कर 1310 रुपए का हो गया। 10 किलो आटे के थैले की कीमत 660 रुपए मुकर्र। डीजी खान में महंगाई माफिया की मनमानियां। 20 किलो आटे का थैला 1350 रुपए का बेचने लगे। आठ रुपए की रोटी 20 रुपए का नान, ये है पुराना पाकिस्तान। महंगाई गरीब आवाम से रोटी का नवाला भी छीनने लगी। रहीम यार खान में रोटी और नान के बढ़ गए दाम। रोटी 2 रुपए और नान 5 रुपए महंगा। आटा सरकारी निर्ख पर ना मिले तो रोटी कैसे सरकारी निर्ख पर फरोख्त करें। नान भाइयों का आटा महंगा होने पर रोटी और नान मजीद महंगा करने का इंदिया। जब आटे का रेट बढ़ता जाएगा तो रोटी तो हमने तो महंगी करनी है। कुछ गैस ना होने की वजह से हमें घर में रोटी मिलती नहीं है, तो इसलिए बाहर से आके परचेज करनी पड़ती है। अब रोटी देखने पहले 7 रुपए की होती थी, 5 रुपए की होती थी, अब 10 रुपए की होगी। महंगाई की कड़वाहट ने आम आदमी को फलों की मिठास भुला दी। मुल्तान में फलों के बादशाह आम के ऊंचे दाम। 240 रुपए किलो बिकने लगा खुबानी और आड़ू। 320, गर्मा 160 और सेब 320 रुपए किलो तक फरोख्त। केला 120 से 160 रुपए दर्जन हो गया। महंगाई के सताए आवाम को 440 वोल्ट का झटका। महंगी बिजली मजीद महंगी करने पर आवाम का पारा हाई, शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं बिजली 2.86 रुपए फी यूनिट महंगी करके गरीब आवाम पर जुल्म किया गया। लोड शेडिंग के बावजूद भारी भरकम बिल भर रहे हैं। शहरियों का हुकूमत से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। क्या तब्दीली है, फिर कोई नया पाकिस्तान ही ठीक था? अगर पुराने में ही यही कुछ होना है तो फिर क्या फायदा है? तो उनसे भी उम्मीदें टूट गई हैं। पिछले हफ्ते भी 3 रुपए महंगी हुई है, आज फिर 2 रुपए महंगी हो गई है। गरीब आवाम कहाँ जाए? मुल्तान में महंगाई का तूफान, आम आदमी परेशान। मोटरसाइकिल की कीमतें छूने लगी आसमान। सेकेंड हैंड मोटरसाइकिलों की मार्केट भी वीरान। दुकानदार शिकवा कुना। हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। पहले तो किसी जमाने में 63,000 रुपए की नई मोटरसाइकिल मिल जाती थी, तो इस वक्त मुझे सेकंड हैंड गाड़ी 63,000 रुपए, 60,000 रुपए में तकरीबन 1.5 घंटे हो गए मुझे मोटरसाइकिल नहीं मिल रही। कप्तान के खिलाड़ी 20 मई को मुल्तान में पावर शो की तैयारी करने लगे। तहरीक इंसाफ ने जलसे के लिए जिले इंतजामिया को दरख्वास्त दे दी। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान से जलसे के लिए किला कोहना कासिम बाग स्टेडियम।